अस्सलाम वालेकुम, हम आपके लिए एक नया चैनल लेके आ रहे हैं जिसका नाम है यहाँ मत जाओ। नाम तो थोड़ा अजीब है, आप लोगों को सुनने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि ये नाम हमने सजेस्ट क्यों किया। आपने कई लोगों से सुना होगा कई जगहों के बारे में कि मतलब ऐसी कई जगह होती हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ मत जाना। उसकी वजह ये होती है वो जगह या असेफ ज़्यादा होती है या हॉन्टेड होती है या आपको जहाँ लोग जाने से डरते हैं, और हम ये करेंगे ऐसी जगहों पर जाने और ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें। इस चैनल पे हम ऐसी ही अपनी डेल और ऐसी ही कहानियाँ और ऐसी ही जगहों के बारे में डिटेल्स आप एक दे दी है। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को बनाने का आइडिया हम तीनों दोस्तों का था जो कि अब यहाँ मत जाना की टीम बन चुकी है। हम लोगों को डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करें और इस आइडिया के साथ हमारी सोच को एक नया मकसद दें। इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले ही हम इस तरह की हॉन्टेड प्लेसेस को अक्सर एक्सप्लोर करने जाते रहते थे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था इस तरह की जगहों को विजिट करने का, उन्हें एक्सप्लोर करने का। तो जब हमने ये चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन किया तो फिर हमने स्टडी किया कुछ जगहों के बारे में कि कहाँ जाके शूट किया जाए और अपनी फर्स्ट वीडियो कहाँ बनाई जाए। तो हमने फिर डिसाइड किया अंदरूने लाहौर में एक घर है जो कुछ अनयूजुअल रीजंस की वजह से बहुत मशहूर है, और वहाँ पे जाके हमने जो था वीडियो अपना फर्स्ट वीडियो बनाया और उधर हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा और उधर ऐसी क्या बातें क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वो इतनी मशहूर थी, वो सब हमने इस वीडियो में जो है वो उसको कैप्चर करने की कोशिश की है और अभी हम वो आपके साथ भी शेयर करने लगे हैं। तो वो वीडियो देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं अंदरून लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में और हमारे यहाँ आने की वजह है एक घर जो कि यहाँ जो इलाका मुकीन है जो ये इस घर के इर्द गिर्द रहते हैं उनमें बहुत ना सिर्फ मशहूर है बल्कि उनके लिए खौफ का मरकज भी बना हुआ है। और यहाँ जो रहने वाले हैं वो इस घर के बारे में कहते हैं कि यहाँ मत जाना। तो इसकी क्या वजह है यही जानने आज हम इधर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ मत जाना की टीम के साथ मौजूद हैं इस वक्त हाजिक जो कि कई साल इस घर में रह भी चुके हैं और ये इन्हीं का घर है। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं। तो हाजिक बताइएगा क्या वजह है कि इस घर के बारे में जो लोग हैं कहते हैं कि यहाँ मत जाना। एक्चुअली बात ऐसी है कि इस घर के अंदर कुछ नहीं, सारा कुछ जो महत्वपूर्ण था सिर्फ एक पोर्शन के कुछ दो कमरों के तक महत्वपूर्ण है, बस ये जो खौफ का बाइस बना हुआ घर वालों सारे मोहल्ले वालों के लिए। एक्चुअली जो हमारे पड़ोसी हमने सुना था कि इस कमरे में आपने एंटर नहीं होना, ये नहीं करना, कमरा ऐसे ये है वो है, मतलब वो कमरा बंद था। अब बंद था, बहुत सालों से बंद है ऐसे आप कह लें। तो जब हमने खुद अपनी आंखों से देखा तो इस बात की तरफ यकीन भी हो गया, लेकिन जब भी हम अपने बड़ों से पूछते थे ये कमरा बंद क्यों है, इस पोर्शन में से आप जाते क्यों नहीं, इस कमरे की तरफ क्यों नहीं जाते, तो वो इग्नोर करते। आज से 4 साल पहले आपका वहाँ जाने का तजर्बा हुआ तो वो बताइए वो क्या कहानी थी, किस तरह गए आप लोग उधर? मैं घर में अकेला था तो मैंने ऐसे फ्रेंड्स को बुला लिया, तो वैसे ही फ्रेंड्स के साथ जिस तरह शरारत में या खेल में लग जाती है बैट, इस तरह तो बैट लग गई जी कि इस रूम में जाएंगे, देखते हैं कि कौन किस में इतनी हिम्मत है वो जा सकता है रूम में। अंदर हम लोग एंटर हुए तो उसके बाद साथ वाले रूम में हम लोग गए हैं, उसके बाद एग्जैक्टली मुझे कुछ नहीं याद कि सर हुआ क्या मेरे साथ, ये कुछ नहीं याद, बस इतना याद है कि अंदर जाके बेहोश हम लोग जरूर हुए थे। उसके बाद समझ ये नहीं पता कि किस तरह निकले किस तरह नहीं, लेकिन अंदर जाके हम लोग बेहोश हो गए थे। उसके बाद जब घर वालों को पता लगा, काफ़ी उन लोगों ने गुस्सा भी किया हमें कि क्यों गए थे, परेशान भी काफ़ी हुए थे। उसके बाद फिर उनको जब परेशानी भी हो गई क्योंकि वो ताला भी खुल चुका था जो किसी ने इलम किया होता, फिर उसके बाद उन्होंने किसी पीर को बुलाया और काफ़ी दिन तक मेरे ख्याल से घर वालों ने पापा ने कॉल की थी करके, तो उन्होंने बुलाया पापा ने और मामू ने, उनके हैं पीर साहब कोई, उन्होंने बुलाया, उन्होंने किया इधर आके कोई इलम किया। अब ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से कोई 15 से 20 दिन का था शायद, सिंपली याद 4 साल पहले की बात, तो उन्होंने इलम किया अगेन
दरवाजा तो ठीक है बंद है, लेकिन उसके बाद से तोबा की है। अभी जो है आप इस घर में कौन रह रहे हैं? हम लोग तो इस घर में नहीं रह रहे। अच्छा, आपने छोड़ दिया? हाँ जी, हम लोगों ने घर बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके किराए वगैरह भी दिया, उसके बाद दिया था किराए पे भी, तो उसके वो भी इधर नहीं टिके ज्यादा थे, तो भी लोगों ने इसको बेच तो नहीं दिया। कोई रेंट पे नहीं रह रहा इधर, तो सेल जितना मशहूर हो गया। तो आपने सुना हमारे साथ हाजिर मौजूद थे जो इस घर में रह भी चुके हैं और इन्हीं का ये घर है। इस घर की जो कहानी थी वो इन्होंने बयान की, और आपको बताता चलूं कि इस घर के बारे में बहुत एक तो मशहूर है, और इधर जो भी इस घर के बारे में सुनता है वो यही कहता है कि यहाँ मत जाना। लेकिन आज हम इस घर में जाएंगे और उस कमरे में जो कि सालों से बंद है, आज से 4 साल पहले इन्होंने खोलने की कोशिश की थी, फिर जो हुआ वो इन्होंने बताया, और अभी हम उसी कमरे में जा रहे हैं और आपको भी हम दिखाएंगे कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि वो सालों से बंद पड़ा हुआ है। खोल उमर, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। चलो उन्होंने ये वाला भी एक कमरा है ना, ये दो कमरे हैं। कितने सालों से उसने बताया था ये बंद है? पिछले काफी सालों से ये कमरा बंद है, लेकिन 4 साल पहले ये कमरा खोला था, जिसके बाद उनको किसी आमिल को बुलवा के अमल पढ़वा के तो फिर ये कमरा बंद करवाना पड़ा था। और इस जगह को देख के इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया, हर चीज़ पे यार। लेकिन यहाँ पे तू ये देख रहा है उमर, ये जाले जो लगे हुए हैं, ये तो लग रहा है कि मतलब कभी खुला ही नहीं, ज़िंदगी में ही नहीं कभी खुला। हाजिक ने ये नहीं बताया था कि यहाँ पर रहता कौन? इधर इस घर में उनकी रिहाइश थी पहले, लेकिन इस कमरे में, हाँ इस कमरे में कौन रहता था? तब भी नहीं कोई आया। उसने बताया था कि जब से उसने होश संभाला और बड़ा हुआ है तब से वो उनको इजाजत ही नहीं थी इस कमरे में आने की, और कुछ ना मालूम। तो ये बेड वगैरह और सोफों की कहानी भी किसने बताई? यार ये देख, इसकी तो छत मुझे लग रहा है जिस तरह गिरने वाली हुई है, इतना पुराना घर यार। जी बिल्कुल, बहुत ही ऐसे नहीं फील हो रहा जैसे बेंड हुई भी है नीचे को? बहुत ही हस्ता हाल हालत में है ये कमरा, छत जो है वो पूरी सीमज़दा है, और इधर अंदर आके एक अजीब सा माहौल है अंदर। अच्छा, अभी हमने वो वाला कमरा भी नहीं देखा ना, इधर जा रहे हैं। अच्छा, बाहर जो है वो सर्दी है ठीक ठाक, लेकिन अंदर आके मुझे एक हीट का एहसास हो रहा है। साहिर, आपने ये एहसास महसूस किया? अंदर जो एक हीट है और सफोकेशन है। मुझे तो अजीब सा दबाव सा महसूस हो रहा है जैसे। खंडर कोई जगह लग रही है। अच्छा उमर, तुम वहाँ पे कह रहे थे कि जनाबे अली के छत, लेकिन जमीन भी ऐसा लग रही है कि पाँव नीचे जमीन में धस रहे हैं। हाँ, ये जमीन भी बिल्कुल ऐसे हुई 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 हुई। यार ये क्या है? वो है काले इलम वाली जो जादू बनी चीजें यूज होती है। उसके ऊपर देखिए, ये स्क्रीन में ना 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 हाथ ना लगाएं भाई। उसके ऊपर जिस तरह के सिंबल्स और जिस तरह की लिखाई हुई है, कोई काला इलम। यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मान,
अच्छा तू एक चीज देख रहा है, यहाँ पे जितना गंद पड़ा हुआ है, यानी कि जितनी देर पहले से ये जगह बंद है, ये गुड़िया जो है वो उतनी मैली नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि जब से ये घर बंद है उसके दरमियान में कोई आया है यहाँ पे जो वो काला इलम करता रहा। के बकौल तो आखिरी दफ़ा 4 साल पहले इस कमरे में कोई आया था, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तो लग रहा है कि कुछ महीनों या 2 महीने पहले, जैसे 2 महीने 3 महीने। यार इसकी शक्ल कितनी डरावनी है, वहशत ना वहशत आ रही है गुड़िया से। अच्छा ये इसमें सुइयों का मकसद क्या होगा यार? यार ये काला इलम इसी तरह ही होता है ना, कोई मतलब ये बेसिकली जहाँ तक मेरा आइडिया है ये होता है किसी एक पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक करने का तरीका। आप किसी को बीमार करना चाहते हैं या किसी के दिमाग को काबू करना चाहते हैं, ये जो गुड़िया होती है उस पर्सनैलिटी का काम करती है। यार ये देख ये जगह इन्होंने सेल भी करने की कोशिश की है ना, नहीं हुई। पुराने जमाने के बर्तन पड़े हुए हैं कुछ। यार मुझे तो ये 4 साल से भी लग रहा है पुराना, मतलब इस जगह से ना एक नखुसत सी टपकती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और वो जादू किसी एक बंदे पे नहीं, मुझे इस जगह पे लग रहा है कि जैसे पता चल रहा है उसकी एक एक चीज बता रही है कि कोई बंदिश है जाले। असल में ये जो घरों के नक्शे बने हुए हैं ना, ये बने हुए हैं, घर तो बहुत पुराना है, ये बने हुए हैं पार्टीशन के जमाने के, मतलब पाकिस्तान भी बनने से पहले के। ये किचन की जगह है जहाँ पे खाना वगैरह पकाया जाता होगा किसी वक्त में। लेकिन यार ये तो अलमारियाँ खोल के देखें, देखें ना कि जाले किस तरह की खस्ता हाल अलमारियाँ। यहाँ से तो सालों से तो क्या लग रहा है सदियों से यहाँ पे कोई नहीं आया, उन चीज़ों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। हाँ तो आवाज तफार देख रहे हैं यार। वैसे मैं मेरा ख्याल है हाथ नहीं लगाना चाहिए चीजों नहीं, को किसी चीज को टच नहीं करना चाहिए। इस घड़े में कुछ है तो नहीं यार? ये यार ये टैंकी तुम लोगों ने नोट की है? हाँ ये अजीब सा ही है, मतलब घर के अंदर टैंकी है। ये पोर्शन इन्होंने क्यों बनाया भाई? ये मतलब इससे मुल्क का एक कमरा है जो ये इनका, हाँ ये भी बंद है, ये भी इतने अरसे से ये कमरा बंद है, उतने अरसे से ये भी बंद है, नीचे भी बहुत कूड़ा। अच्छा ये लग रहा है कि मुझे जो कमरा है ना ये बंद रहा है, जो नीचे वाला कमरा है ना वो वैसे एक कूड़ादान टाइप की जगह बन गई है। यार ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स को खोल के देख सकते हैं हम लोग? क्या है ये? ना 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 साहिर, ना रहने दे, हाथ ना लगा। नहीं नहीं रहने दे यार साहिर, रहने दे। तो देखे तो सही ना कि जमाने की जमाने की एक बॉक्स से हमें ये पता लग सकता है कि कितने सालों से बंद है। यार जिस तरह की इधर चीजें हमें मिली हैं तो मुझे कोई जादू टोने की बुकें लग रही हैं, किताबें हो सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें इनको खोलना चाहिए, इनको छेड़ना चाहिए। हाँ उमर तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सेम पूरी कोई तस्वीर तो नहीं है, ये क्या है? अच्छा ये टेबल पड़ी हुई है और वो चूल्हा पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये कमरा, ये जो एरिया, ये डाइनिंग, ये डाइनिंग रूम होगा ना इनका, किचन कम डाइनिंग रूम। लेकिन अभी तो ये किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा है, और बहुत ही खंडर भी बहुत ही कोई खौफनाक किस्म का, इसकी एक एक चीज से जो है खौफ और दहशत
जो है वो टपक रही है। यार ये देखिए यार, कितना अजीब किस्म का वो लग रहा है, इस तरह लोग पता नहीं कहाँ पे आए। यार मुझे तो सांस लेने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, जिस तरह क्योंकि काफ़ी अरसे से कमरा बंद है। यार इस तरह की जगहों की ना ये निशानी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? नहीं यहाँ से किधर ये दरवाज़ा देख खोले यार, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजा किस आजिक आजिक को फोन कर, दरवाजा लॉक कर दिए उसे। आजिक को फोन कर, उसी ने किया होगा, लेकिन वो क्यों ऐसा करेगा? मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, आपके आ रहे मोबाइल के सिग्नल? लेकिन आजिक ने अगर बंद किया तो वो क्यों करेगा यार? भी मोबाइल के नहीं आ रहे यार। यार उमर अगर हाजिक आया होता हाँ, और हाजिक तो कह रहा था कि हम लोग इस साइड पे जाते ही नहीं है। हाजिक यार वहां कोई है यार, अभी कोई वहां से वहां गया है यार। क्या हो गया साहिर, किधर कह रहा है यार? यहां से ना कोई चीज गई है। ये क्या, ये मुझे लगता है हम फंस गए हैं। नहीं नहीं फंसना, हम फंस गए। किसने बंद किया? कॉल भी नहीं हो रही यहाँ से, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। सिग्नल्स कैसे जा सकते हैं यार? अभी ऐसा करो, हम लोग इस जगह पे ठहरने आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग टाइम गुजारने आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं। अगर हाजिक ने दरवाज़ा बंद किया हुआ होगा तो वो थोड़ी देर बाद खोल देगा। लेकिन वहाँ से जो मैंने चीज़ देखी है, मेरे दिल की धड़कन जो है ना इस वक्त, यार इस जगह पे मेरे हाल से जो चीज़ें आप उन्होंने अपना आप दिखाना भी शुरू कर दिया, और ये जगह जो है गैर मामूली है, ये तो हमें पता ही था पहले से। लेकिन अब हम पानी लेके आया था, पानी है हाँ। पानी। दिल की धड़कन मेरी बहुत तेज तड़पना शुरू हो गई यार। अभी हमने सही तरह जगह को एक्सप्लोर भी नहीं किया और हमें साइंस मिलना शुरू हो गए। यार ये कवर्ड्स खोल सकते हैं हम लोग? हाजिक से पूछा था, ये कवर्ड्स खोल के देख सकते हैं? तो ओवरऑल ही है इस जगह पे, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये जगह है ना, इधर ज्यादा सफोकेशन और ये क्या हुआ? उमर किसी ने खींचा ध्यान से। किसने खींचा उमर, क्या हुआ है? किसने खींचा यहाँ से? मैंने तो बताया था पहले भी, मैंने यहाँ से चीज देखी थी जाते हुए, तुम लोग मेरी बात का तुम लोग यकीन नहीं कर रहे हो। पकड़ के ही शोल्डर से कोई हाथ मुझे लगे, किसी ने इधर से पकड़ के तो पीछे की तरफ मुझे। यार उमर जब मैं तेरे पीछे इस कमरे में आया हूँ ना, तो मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही फील हुआ है
जिस तरह इस कमरे में कोई था और यूं आगे लग लग के भाग रहा है। मैं तुम लोगों को कब से कह रहा हूँ यहाँ पे कोई है, मैंने देख लिया है पहले तुम लोगों को, यहाँ बताया कि यहाँ से मैंने चीज देखी है जाते। उमर तुझे चोट तो नहीं आई? हर तरीके से अपनी जो मौजूदगी है उसको जाहिर करना शुरू कर दी है। तो ठीक है ना अब यार, बहुत किसी ने बहुत कुव्वत से मुझे ना इस इधर से पकड़ के ना मुझे लगे यार अब किया क्या है, यहाँ पे फिजिकली हमले होना शुरू हो गए, मेरा ख्याल है यहाँ से जाया जाए। यार अब हासिक को फोन करो यार, ये तो वाकई में डर लगना शुरू हो गया। यार दरवाजा भी अभी तक लॉक है। दरवाजा भी लॉक है, खुल नहीं रहा यार दरवाजा। यार ये क्या करें यार उसका, यार ये तो बड़ी, उसे कॉल करके देख हाजिक को। यार आपने नहीं कॉल की उसे? नहीं, मेरे सिग्नल ही नहीं आ रहे यार, मैं क्या करूँ, मेरे भी सिग्नल नहीं आ रहे। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। यार मुझे लग रहा है उमर ये गुड़िया काम खराब कर रही है, ये गुड़िया मुझे सही नहीं लग रही। उमर ये गुड़िया नहीं मुझे सही लग रही। ये जादू का जो असर है वो मुझे इस कमरे में और इस जगह पे ज्यादा लग रहा है। सारी हैपनिंग यहाँ भी हो रही है, जो एक्टिविटीज है यहाँ ज्यादा हो रही है। यार ये गुड़िया से बच के शायद इसके ऊपर ना पाँव नहीं जाने चाहिए। उमर मैंने तुझे नीचे देखा है, तू नीचे खड़ा हुआ था। यार यकीन कर तू यहाँ पे खड़ा हुआ था और तूने मेरी तरफ देखा है। यार ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? रिकॉर्डिंग पे आया? हाँ वो रिकॉर्डिंग पे भी आया है, मैं दिखाता हूँ तुझे। यार तुम लोगों को अब आया है यकीन? जिस तरह कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जगह जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। किसी गैर मरई कुत के शिकंजे में है, वो इस चीज का एहसास दिला रहा है हमें। उसने पहले जिस तरह की चीजें की जिससे उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, उसके बाद उसने हमारे ऊपर एक फिजिकली हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, अब वो हमारे असाबों से खेल रहा है। ये बिल्कुल यकीन हमारी वहमों फिरासत में नहीं है कि ये इस तरह की चीज भी हो सकती है। ऊपर से वो दरवाजा भी नहीं, आज ना आज को फोन हो रहा है ना दरवाजा खुल रहा है, क्या करें यार वो फंस गए। सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है और एक दबाव सा महसूस हो रहा है, और
रू तो हम लोग जब से आए हैं अंदर घुसते साथ ही मुझे यहाँ से एक अजीब सी वहशत सी होनी शुरू हो गई थी। ये जगह से एक नखुसत सी टपक रही है और एक अजीब सा एक एहसास है इस जगह। अब सब ये सोचो यहाँ से सिर्फ हमें अल्लाह ही बाहर निकाल सकता है, कैसे हम बाहर निकले, क्या करें यार? यार ये थी ना वो जगह यार, यार ये जगह, यार ये वाला दर मर, ये तो दरवाजा भी बाहर से वो उसकी चाबी नहीं थी ना उसके पास, आसिफ के पास, ये दरवाजा भी लॉक था। और जब था ही तू, शक्ल ही तेरी थी, तो हम लोग ये किस तरह सोच सकते हैं कि यार कोई आ गया होगा? अच्छा ये बड़ी कोई और होगा, मतलब एक अजीब सी कि वो कैमरे में भी मतलब नजर आ रहा है, वो पूरी उसकी फुटेज बनी है और बिल्कुल तेरा चेहरा है। मैं गुमान से भी मतलब बाहर है ये चीजें, ये जगह मतलब इसमें तो अब कोई शुबा ही नहीं है कि कुछ है इधर, और बड़ा शदीद किस्म का ये जगह किसी जादू के असर में है या फिर कोई अजीबो गरीब किसी चीजों के मतलब असर में है। और जो हमें अभी वो भी हमने देखा अजीब सा जो एक नजर आया था काले जादू के लिए जो इस्तेमाल होता है इधर जो पड़ा था, किधर गया किधर गया अमर? मेरा कहीं पैर शहर में ना, उसको हमें छेड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना चाहिए था, हमने तो नहीं छेड़ा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मेरे या हमारे में से किसी के ना पैरों के साथ कहीं आगे पीछे हो गया। इधर देखें इधर, किस तरह यार ये तो अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा है। यार ये किधर जा सकता है? मेरी तो इस वक्त जो है ना हवासों पे सवाल यार, लेकिन वो उमर यहीं पे होगा, मतलब यार इधर ही होता अगर होता, कहाँ गया? पाँव से लग के कहाँ हम मतलब जा सकते हैं? वो कहीं पे भी नहीं है, वो गायब है। यार ये क्या क्या हो रहा है यार हमारे साथ, अब क्या करें यार? सिग्नल भी नहीं आ रहे यार मोबाइल के, यार आज को फोन करें यार। उमर उमर ये देख, या अल्लाह खैर। खून लगा इस पे यार, ये तो अल्लाह खैर यार, पीछे हो जाओ इससे यार। ये क्या कहानी चल रही है हमारे साथ यार, यकीन नहीं आ रहा ये मतलब वाकई में ये उधर था अब इधर, और ये खून लगा है इस पे यार। अब क्या करें यार, हाजिक को फोन करो यार। यार मेरा सर साहिर, यार निकलो यार यहाँ से। साहिर हाजिक को फोन कर रहे यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस कमरे में रहें क्या, इस कमरे में रहें, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई भाई। हमने गलती की है इधर आके, बहुत बड़ी गलती की है, और अब अल्लाह से दुआ करें कि सही सलामत हम यहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाएं, क्योंकि तो बहुत ही खतरनाक जगह है ये, इस बात का मुझे अब यकीन हो गया है कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये बहुत ही गैर मामूली जगह है, और इधर जो हमारे साथ हुआ है आज वो बहुत गैर मामूली है, और वो मतलब कि समझ में नहीं आ रही, कि यकीन नहीं आता कि इस तरह काबिले यकीन, ना काबिले यकीन और ना काबिले बयान है यार। यार उमर कैसे निकले यार यहाँ से, यार अब क्या करें यार, मुझे तो खुद नहीं कसम से समझ आ रही है, अजीब सी यार दर से पड़ जाए, अजीब सी वहशत हो रही है, मेरा सर दर से पड़ जाए। साहिर क्या हो गया यार, साहिर हॉस्पिटल सर दर से पड़ जाएगा यार। साहिर साहिर तेरे खून निकल रहा है यार, सा
साहिर, साहिर क्या हो गया है यार, उसको फोन करो यार। ये कैसे निकल रहा है उमर? तेरे भी ऊन निकल रहा है यार। क्या कर रहे यार? मेरा सर, यार क्या कर रहे यार, क्या कर यार, कितना ज्यादा खून निकल रहा है यार, सांस नहीं आ रहा यार मुझे, निकलो यार यहाँ। यार हाजिक को फोन करो यार। वीडियो कैसी लगी? आप इसका फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर दें। हम मजीद आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आ रहे हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके अलावा हमारी एक रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से कि आपकी नज़र में कोई इस तरह की हॉन्टेड प्लेसेस जिसके बारे में लोग कहते हो कि यहाँ मत जाना, आप उन जगहों को हमारे साथ शेयर करें, हम उन जगहों का विजिट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे।